अभिनेत्री रेखा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्हें बचपन में यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। मायापुरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री रेखा को बचपन में यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था, जब वो महज 8 साल की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 साल की रेखा अपनी बहन और आया के साथ फिल्म देखने पहुंची थी। लौटते समय रेखा को नींद की खुमारी चढ़ने लगी, इसके कारण वो रास्ते में बिना देखे ही एक अनजान शख्स की उंगली पकड़ कर चलने लगी। दरअसल उन्होंने अपनी आया की उंगली समझकर एक आदमी की उंगली पकड़ ली थी। इस तरह रेखा अपनी आया से गुम हो गई थी, लेकिन जल्दी ही रेखा की गलत फहमी दूर हो गई, जब उस अजनबी का हाथ उसकी छाती से टकराया। बताते हैं कि रेखा ये आभास होते ही सजग हो गई थी और पूरी स्थिति को भांपते हुए उस शख्स को बड़े जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर भाग खड़ी हुई। यही नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार जब रेखा थिएटर हॉल में थी तब भी इसी तरह की घटना उनके साथ हुई थी। बताते हैं कि जब रेखा सिनेमा हॉल में फिल्म देख रही थी तब कई लड़के उन्हें घूरते थे और उनसे छेड़खानी करते थे। वहीं अगर वो सिनेमा हॉल में भी बैठी हो तो पीछे से सीट को हिला देते थे और मस्ती मारते थे। बताते हैं कि एक मर्तबा तो वो एक लड़के की हरकत पर बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी और उन्होंने अपनी सीट भी बदल ली थी। कहा जाता है कि रेखा छेड़ने वाले लड़के की सीट पर बैठ गई और उन्होंने अपने मुंह में से च्युइंगम निकाल कर उसके बालों में लगा दी थी।